नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग में। मैं आपको लेके जाऊंगी। मैं मेरा डेली पीर बने हुए हैं, बाल भी पड़े हुए हैं, पाकी नहीं करवाते ये। अच्छा, हम ना पाकी करवाते हैं, इलाज करते हैं, हम लोग यहीं पे खाना खाते हैं, यहीं पे नमाज पढ़ते हैं। आपने अपने घर वालों को नहीं बताया कि मारते हैं? नहीं है, मारते हैं हमें। घरों को बताएंगे तो मार मार के बुरा हाल कर देते। अच्छा, मार मार के इतना बंदे का सतगन आज कर देते। केन में डब्बे हैं, उसमें इधर ही सोते हैं, इधर ही पेशाब करो, इससे तो जेल बेहतर है। इधर ही सो और इधर ही पेशाब भी करो। इधर केन होते हैं, उनमें बोलते हैं पेशाब करो, करते हैं दिन में 2-3 दफा ये पेशाब के लिए खोलते हैं। अगर कोई बोलेगा मैंने पेशाब करना है, गंदे बाथरूम में कोई जाएगा उसको मारेंगे। सलाम जी। आप यहाँ पे कब से हैं बाजी? मेरे को हो गए 7 माह 15 दिन पहले। ये तो खाना है बाजी, ये खाना है। हाँ। आप घर में भी ऐसे ही खाते थे? घर में कहाँ, माँ ऐसे खिलाती थी। आपको मारे इन्होंने? आपको मारे? दिखाएं जरा इनकी कमर पे, दिखाएं, 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 नोट करें। आए जी, देखें इनकी कमर पे निशान, देखें, दिखाएं जरा, देखें, आगे हो, आगे हो, देखें, मैं औरत हूँ, मैं ज्यादा आगे देखें। आप ऐसे चुप, आप देखें। एक को लाहौर भेज दिया, वो भी मरने वाला था बिल्कुल। यहाँ पे बहुत जुल्म होता है, ये जैली पीर बने हुए हैं। मारते कैसे हैं ये? इन्होंने बहुत बड़े बड़े डंडे रखे हुए हैं, ऊपर टेप लपेटी हुई है काली। इतना मारते हैं कि बंदा डर के मारे घर वालों से बात नहीं। छोड़ के चले गए, ये हमें खत्म कर देंगे। मार की आवाज आ रही थी, वो कौन था? सबको मारते हैं, इधर रोज काल मार रहा है। 10-12 बंदों को मारते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े डंडे पड़े हुए, ऊपर टेप की हुई है। मारता कौन है? मारता ये जो पुराने मजलाल के 2-2 साल हो गए हैं। एक इधर उसका नाम मुर्तजा है, मुर्तजा नाम है उसको। आप चाबियां बता करें प्लीज, इनको बुलाएं यहां से। ये सिक्योरिटी वाले सब छुपे हुए हैं, वो इंचार्ज खड़ा हुआ है, मकसूद नाम है, मकसूद नाम है, इसको बुलाओ, इसको इसको इधर मुर्तजा आइए आइए। आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या हुआ है? बताएं क्यों रो रहे हैं? डरना नहीं, मैं लेके जाऊंगी आपको यहाँ से, मैं लेके जाऊंगी आपको। बताएं, बताएं, नहीं मारेंगे बहन, समझे मुझे, मैं लेके जाऊंगी। मैं अपने किसी भाई को छोड़ के नहीं जाऊंगी यहाँ पे। मेरा बात है, आज सारे यहाँ से जाएंगे, मैं तब तक नहीं जाऊंगी, ये फोर्स नहीं जाएगी जब तक मैं आप लोगों को लेके। डरना नहीं है, कोई क्यों बताओ क्या बात है, क्या बात है? कुछ नहीं बताओ, कुछ नहीं बताओ, बहन समझे मुझे, बिल्कुल समझे। बहन पे यकीन करके देखो, बहन बहन पे यकीन करो, बहन पे यकीन करो, बहने भाइयों को छोड़ के नहीं जाती होती। बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं अभी तो, कुछ बताओ। कुछ नहीं हुआ, डरे हुए हो तो रोए क्यों? मैं घर की याद, घर की याद आती। अब्बू मिलने आते 26 को आए थे, मिलने नहीं दिया अब्बू को, मिलने नहीं दिया क्यों? कैमरा खत्म। आपने कोशिश नहीं की अब्बू को मिलने की? नहीं। हैं? आपको कौन छोड़ के गया? मेरा भाई छोड़ के गया था। भाई को बताया यहाँ पे क्या होता है? मेरे ख्याल में तो नहीं बताया। क्यों? बस क्योंकि ये लोग डील इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे कुरान का दर्स होता है और कुरान को पढ़ा जाता है और वजीफा किया जाता है, और मतलब ये मदरसा है एक। ये मदरसा? हाँ जी, ये एक मदरसा है। हमारा दीन कहीं नहीं कहता, हमारा दीन वो है जिससे रहमतुल आलमीन ने सबसे पहले अमर मुतारफ कराया था। कहाँ कहते हैं हमारा? मारने का नाम इन्होंने रखा हुआ है जब्भी। छोड़ देते हैं तो वो चल नहीं सकता, घर वालों को बताने भी नहीं देते। आपको क्यों रखा है? बोल रहे थे बीवी को तलाक दो, अपनी बीवी को। यहाँ पर हम बहुत रोते हैं, पिटते हैं, हम आगे से इन्हें कुछ क्या हो, ये आगे से डंडे मारते हैं, कहते हैं घर भेज दो, घर भेज दो, आखिर से आगे से भेजते ही नहीं है। गलत मुलाकात, उस पे हमें जब्भी डालते हैं, एक मार का नाम रखा हुआ है जब्भी, 3-4 आगे पकड़ते हैं, डालते हैं। उस मारने का नाम इन्होंने रखा हुआ है जब्भी। जब किसी की मुलाकात आती है उसको कहते हैं कि अगर गलत मुलाकात करोगे उस पे आपको जब्भी डालेगी। एक आदमी यूं दूसरे को उठाता है, हाथ बांधते हैं, मुंह पे कपड़े से बांधते हैं, उसका सारा जिस्म जो है वो जब
उसको जब छोड़ दे एक सौ डंडा मारते हैं, जब उसको छोड़ देते हैं तो वो चल नहीं सकता, वो अपाहिज हो जाता है बिल्कुल, एक महीने के बाद जो है ना वो चल सकता है ठीक है। और फिर मजदूरी करवाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, इस तरह अपने मकान तमीर करवा रहे हैं, पीछे उनका घर है जी, ये लेबर है जी, ये सारी फ्री की लेबर है, ये जितनी आगे अमारात है काम जरा सा गलत करेगा उसको भी मारेंगे। तुम तो मुझे नशा करते नहीं लगते, सिर्फ मैं सादा सिगरेट पीता हूँ। तो यहाँ पे कौन छोड़ के गया? यहाँ पे भाई। क्यों? मेरा भाई नशा करते है, इसको छोड़ने आया बस हमें। हाँ। उसके साथ मुझे भी यहाँ पे छोड़ दिया। आपके साथ जो कुछ होता है आपके घर। वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि एक पाकिस्तान की, मैं तो इसको सल्यूट करता हूँ इस रिपोर्टर को, कि जो ये मदरसे में घुसी है, तो इस मदरसे में घुसने के बाद इसने जो रिपोर्टिंग की है वो ज़बरदस्त है। हालांकि आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसा मदरसा है, यहाँ पर लोगों को बांध कर रखा हुआ है, ये मदरसा कम नशा मुक्ति केंद्र या पागलखाना ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्तों मुझे भी ऐसा वीडियो देखने पर लगा था, लेकिन वीडियो को मैंने देखा तो इसमें कई बार मदरसे का ही वर्ड यूज़ किया गया। मतलब ये बेसिकली क्या है कि बांध बांध कर इनको कुरान और ये सब सिखा कर इनकी जो ये चीज़ें हैं, मतलब अगर कोई नशा करता है या कोई तलाक देकर आया है तो वो मतलब उसको सही करने का तरीका है ये इनका, तो ये मदरसा ही है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इस तरीके से बांध कर रखा और खाना, मतलब ऐसे में तो और जो बच्चे हैं या जो, एक तो ये बच्चे नहीं हैं ये सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये और पागल हो जाएंगे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस ब्रेव लेडी को सल्यूट है जो इस तरीके के मतलब मदरसे में घुसी और इस तरीके की रिपोर्टिंग कर रही है। लेकिन मुझे कुछ हद तक ऐसा लगा जैसे कुछ बंदे इन्हीं न्यूज़ वालों के हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे कि एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो एक्टिंग ना कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान में तो शराब पूरी तरह से बैन है, इस्लामिक कंट्री है, नशा तो वहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि बैन और ये सब चीज़ें उसके बाद भी होती ही हैं। तो दोस्तों ये पाकिस्तान का था एक मदरसा जिसमें ये रिपोर्टिंग करती हुई महिला घुसी और इस तरीके से उसने पुलिस के साथ घुसी, और ये महिला ने आखिरी में ये भी बताया कि उसने पहले एक दो हफ्ते रैकी की थी इस मदरसे की घुसने से पहले कि कैसे रिपोर्टिंग की जाए। तो पुलिस वगैरह के साथ प्रोटेक्शन के साथ ये घुसी है और इस तरीके की मतलब ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है जिसमें ये मदरसे में फंसे बेचारे। अब आप देखें भले वो मुस्लिम हो लेकिन इतने जुर्म हो तो फिर आपके भी शायद इमोशनल हो जाए आप। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो में कुछ खामियां हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो आए।